नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनरिता तनेजा, MD आयुर्वेदा हूँ। मैं आरोग्य आयुर्वेद व पंचकर्मा केंद्र फरीदाबाद में आयुर्वेद व पंचकर्म से बीमारियों का इलाज कर रही हूँ। यहाँ पर हार्मोनल डिस्टरबेंस, पेट की समस्या, PCOD, इनफर्टिलिटी, ट्यूबल ब्लॉकेज आदि बहुत सी बीमारियों का हम आयुर्वेद व पंचकर्म के द्वारा इलाज कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है लिवर डिसऑर्डर्स, और लिवर डिसऑर्डर्स पर मैं आयुर्वेद व पंचकर्म का क्या ट्रीटमेंट प्लान है और उसके किस तरीके से हम अपना बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में अपने व्यूज़ आपके सामने प्रेजेंट करूँगी। आयुर्वेद के अनुसार जो हमारा डाइट प्लान होना चाहिए उसके अनुसार आज की डेट में लाइफस्टाइल नहीं चल पाती है, इसलिए जो मैक्सिमम पेशेंट्स आते हैं उनकी ट्रबल होती है कि या तो कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है, या फिर कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशंस ऑल्टरनेट होते रहते हैं, भूख की कमी होना, पैरों में सूजन होना, या डाइजेशन ठीक नहीं होना, एसिडिटी होना, गैस्ट्राइटिस होना, ये बहुत कॉमन कंप्लेंट्स हैं आज के डेट में जितने भी पेशेंट्स आ रहे होते हैं। तो पॉसिबल है कि ऐसे पेशेंट्स में हम इन्वेस्टिगेशन कराएं तो ये पता लगे कि हो सकता है उनको फैटी लिवर हो सकता है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या ग्रहणी जिसे हम बोलते हैं वो इन पेशेंट्स का डायग्नोसिस हो, या फिर ये भी संभव है कि और इन्वेस्टिगेशन करने पर गॉल ब्लैडर स्टोन या पाइल्स वगैरह की हमें हिस्ट्री पेशेंट की मिले। तो ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट प्लान करने के पहले उनका पूरा जो हिस्ट्री रही होती है या उनकी जो लाइफस्टाइल होती है उसको स्टडी करके हम ये उनको बताते हैं कि किस तरह की लाइफस्टाइल उनको फॉलो करनी है। ज़्यादातर पेशेंट्स किसी न किसी प्रॉब्लम से भी ग्रसित होते हैं, जैसे हो सकता है कि फैटी लिवर उनको रहा हो, या फिर डायबिटीज़ के वो पेशेंट हों, या ओबेसिटी हो, इन सब कारणों से भी कई बार लिवर में चेंजेस होते हैं या पैरेलली ये चीज़ें पेशेंट्स में विजिबल होती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए सबसे पहले तो जो कॉज है उसको हटाना होता है जब भी हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है वो सबसे बड़ा कॉज है। एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल लाइफस्टाइल बिल्कुल भी नहीं है, दिन भर सिटिंग जॉब है या लैपटॉप पे या कॉर्पोरेट्स में जॉब है, तो बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं है। इसलिए पहला स्टेप ये लेना है पेशेंट्स को कि आधा घंटा कम से कम खुद को दीजिए, किसी भी पास के पार्क में हाफ एन आवर की वॉक नेसेसरी करिए। उसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या जिनको प्राणायाम बोलते हैं एटलीस्ट 15 मिनट्स खुद को ज़रूर दीजिए। प्राणायाम जो बॉडी में pH को है उसको बैलेंस करके चलता है और बहुत सी समस्याओं से उसी से छुटकारा आपको मिल जाता है। उसके बाद जो कॉज है डाइट पैटर्न में आता है जंक फूड, मैदे का सेवन बहुत ज़्यादा, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इनके इनटेक। अगर जो पेशेंट्स जो लोग अल्कोहल ले रहे हैं तो सबसे पहले यदि वो ठीक होना चाहते हैं तो अल्कोहल को बंद करना होगा टोटली। उसके अलावा ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो पूरे टीटूटेलर हैं या वेजिटेरियन हैं, ना अल्कोहल लेते हैं ना स्मोकिंग करते हैं, उसके बावजूद भी उनके लीवर में फैटी चेंजेस विजिबल होते हैं। उसका कारण ये है कि जो उनका डाइट पैटर्न है वो बहुत ही रिच फूड है। जैसे जो यहाँ का हम नॉर्थ की मैं कल्चर की बात करूँ तो दाल मखनी है, शाही पनीर है, या बहुत ही क्रीमी फूड है, या मैदे का खाना है, या बेकरी प्रोडक्ट्स है, वो डेली के उनके शेड्यूल में है। तो इन सब से उनको खुद को हटाना होगा यदि वो चेंज करना चाहते हैं। उसके अलावा कुछ एक चीज़ें हैं जैसे गिलोय का पानी वो रेगुलर यूज़ करें अगर वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज डेली स्टार्ट करें, और उसके साथ हम कुछ मेडिसिन स्टार्ट करते हैं जिसमें पुनर्नवा है, भूम्यामल की है या कुटकी है, इन सब के कॉम्बिनेशंस की बहुत वाइड रेंज ऑफ मेडिसिंस हैं जो क्लासिकल मेडिसिंस भी हैं या पेटेंट बहुत अच्छी फार्मेसीज के कैप्सुलेटेड या टैबलेटेड फॉर्म में मेडिसिंस अवेलेबल होती हैं जो पेशेंट आराम से इनटेक कर पाता है। इन मेडिसिंस के साथ हम जब पंचकर्मा को साथ में देते हैं तो पेशेंट्स के रिजल्ट्स जो आते हैं वो बहुत ट्रिमेंडसली फास्ट और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जिनका भी SGOT SGPT 5000 6000 तक भी पहुंच गया होता है उन पेशेंट्स में भी हमें बहुत मिराक्यूलस रिजल्ट्स मिलते हैं। तो पंचकर्मा में मेनली हम बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, उसका शोधन करते हैं। ज़्यादातर इसमें हम लिवर डिसऑर्डर्स में विरेचन कर्म और वस्ती चिकित्सा को फॉलो करते हैं। विरेचन कर्म में बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए लूज मोशंस कराए जाते हैं, ये मेडिकेटेड पूरा ऑब्जर्वेशन में पूरा प्रोसीजर किया जाता है जिसमें 10 to 15 डेज लगते हैं।
और वस्ती चिकित्सा भी 8 टू 16 डेज का प्रोसीजर होता है। इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन करके पेशेंट को साथ में मेडिसिंस और डाइट और लाइफस्टाइल रेगुलेशन किया जाता है तो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हैं। ऐसी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में आप पहले या ट्रीटमेंट से पहले और बाद की कंबाइन करके देखेंगे तो बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं। इसलिए यदि किसी भी तरह के आपको लिवर की डिस्टर्बेंस है, लिवर की प्रॉब्लम्स हैं तो इसको नेगलेक्ट नहीं करिए। यह चीज़ें आगे चल के लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर में कन्वर्ट हो सकती हैं यदि हम इनको नेगलेक्ट करते रहें। तो यदि आप इस तरह की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आरोग्य आयुर्वेद और पंचकर्मा केंद्र पर आएँ और अपना इलाज लें। धन्यवाद।